लोकसभा में सहारा निवेशकों के डूबे पैसे लौटाने पर जानिए वित्त मंत्री ने क्या दिया जवाब। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सहारा के स्कीम में अपने पैसे निवेश करने वाले लोग सालों से अपने पैसे वापस होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा, अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने सहारा समूह में निवेशकों के पैसे लौटाने की बात कही थी। तब से लेकर अब तक लोग अपने पैसे वापस लेने का इंतजार कर रहे थे। अब इसी कड़ी में सहारा में निवेश करने वाले लोगों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान निर्मला सीतारमण ने सहारा की बकाया रकम को लेकर बड़ी जानकारी दी है। दरअसल कुछ सांसदों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। वित्त मंत्री ने निवेशकों के पैसे की वापसी के सवाल पर जो जवाब दिया है, इससे सहारा निवेशकों की एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री ने सहारा को लेकर क्या कुछ कहा है, इससे सहारा निवेशकों को क्या फायदा होगा, आज हम इन सभी की चर्चा करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO सहारा समूह की कंपनियों से संबंधित मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। जब SFIO जांच की रिपोर्ट सौंप देगा, तब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे वित्त मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सहारा समूह के पूरे मामले की निगरानी की जा रही है। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही काम कर रही है। सहारा निवेशकों को लेकर उन्होंने बताया कि केवल छोटे निवेशक ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं, इसलिए SFIO इसकी जांच कर रहा है कि सभी निवेश रिफंड का दावा करने के लिए अभी तक आगे क्यों नहीं आए हैं और ये सभी कहाँ हैं। जब SFIO इन सभी मामलों पर जांच पूरी कर लेगा तो आगे की कार्रवाई करने में आसानी होगी। इस दौरान वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सहारा समूह की कंपनियों में 3.7 करोड़ निवेशक हैं। इन सभी ने 27,000 करोड़ रुपए के निवेश किए हैं। बावजूद इसके अभी तक केवल 19,650 लोग ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा करते हुए कहा कि इनमें से 17,250 दावों का निपटारा कर दिया गया है। बाकी आवेदकों को कागजात उपलब्ध करवाने की बात कही गई है, जिससे इनके दावे का निपटारा भी किया जा सके। जब वित्त मंत्री लोकसभा में अपनी बातें रख रही थी, तब उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इस मामले में हर पहलुओं की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही है। सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को लगातार रिपोर्ट कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में इस मामले को लेकर कई सांसदों ने सवाल खड़े किए थे। सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों का मुद्दा काफ़ी बड़ा है। करोड़ों लोगों ने इसमें निवेश किया है, लेकिन अभी तक केवल 19,000 के करीब में ही लोग इस मामले में दावा करने के लिए सामने आए हैं। इस मामले को लेकर अब सोचने वाली बात है कि बाकी लोग कहाँ हैं, अभी तक वे दावा करने के लिए सामने क्यों नहीं आए हैं, आखिर सामने नहीं आने की क्या वजह है। खैर, इस मामले में SFIO जाँच कर रहा है, जाँच के बाद ही आगे का मामला क्लियर हो पाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से कर रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।